बल्लेबाजी में सारे क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले। बैटिंग भी स्टाइल से किया और कप्तानी भी, हर मूव पे उन्हें रिजल्ट मिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि थोड़ी 20 ओवर प्लान करके आए थे कि कौन से बैट्समैन को किस गेंदबाज से बॉलिंग कराएंगे। ये तो वाइड का इशारा थी। यानी इस वजह से छोड़ दिया कि शिखर और स्तंभ पे चलकर आ गए। अगर मैं राजस्थान रॉयल्स के दौरान में होता आकाश, तो ये एक ही पॉजिटिव लेता कि धोनी कुलकर्णी की बोली आज ठीक लय में लगे, अच्छे एग्जीक्यूट कर रहे, बिल्कुल एक साथ गेम रोलिंग हुआ, लेकिन अभी अच्छे एग्जीक्यूट कर रहे अपनी गेंदबाजी में। मटन ना खोल मतलब खाना होता है और अगर हम बिली स्टैनले को खिला दे तो फिर गेंदबाजी भी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। जो सोचा वही पाया, वही किया, कर दिखाया। ये टीम में बात है और दमदार परफॉर्मेंस, जेन विलियमसन की परफॉर्मेंस कप्तानी और बल्लेबाजी से बहुत खुश हूं, क्योंकि जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया बिली स्टैनले को पहले ही खत्म कर दिया। 15वां ओवर तक चार के चार ओवर इस्तेमाल किए, जो रणनीति से बॉलर ने बॉलिंग की, इसे लग रहा था एक ट्रेन टीम थी, एक मिलिट्री सॉर्ट ऑपरेशन पे आए और सीने के परफॉर्मेंस करके उन्हें एग्जीक्यूट किया। दो और गेंदबाजी के विकल्प है, दीपक हुड्डा हो गए यूसुफ पठान, माइकल स्लेटर मैदान पर खड़े हैं, तो ऐसा करते हैं कि उन्हीं के पास चलते हैं और थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं लूजिंग कैप्टन के साथ। It's never nice being the losing captain, just not that once. Yeah, exactly. I mean, we thought 120, 126 was slightly on the lower side. When we were batting, I thought 150, between 150 and 160 would have been great. But I think great to our bowlers also. They bowled really well. They gave their best. But I think Sunrisers bowling unit, they did really well. You got off to a good start though. Yes, really. I mean, we wanted to play positive when we got, I mean, we were 50 for one first six, and then me and Sunrisers decided to play a normal game and just back our instinct, but I think we lost too many wickets in middle overs and 126 was too low. And what was it about the batting that was most disappointing?